हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी रसोई में। दोस्तों, आज की रेसिपी है पाव भाजी। पाव भाजी बनाने के लिए सामग्री चाहिए। आप सामग्री को अपने आवश्यकता अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हमने लिया है पाव, बारीक कटे हुए गाजर, बारीक कटे हुए टमाटर, बारीक कटे हुए आलू, हरा मटर, अदरक लहसुन का पेस्ट कुटा हुआ, बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, चकुंदर कलर के लिए, हरा धनिया, एक नींबू, पाव भाजी मसाला, पानी, साबुत जीरा, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, रिफाइंड ऑयल, मक्खन। दोस्तों, अब हम पाव भाजी बनाना शुरू करते हैं। हमने लिया है कुकर का इस्तेमाल करेंगे। पाव भाजी बनाने के लिए हमने इसमें रिफाइंड ऑयल डाला। दोस्तों, हमारा तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें जीरा डालेंगे साबुत। अब हम इसमें पाव भाजी मसाला डालेंगे। बारीक कटे हुए प्याज गरम तेल में डालेंगे और इसको अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे तेल के अंदर। अब इसमें हम बारीक कटे हुए गाजर डालेंगे। बारीक कटे हुए टमाटर, बारीक कटे हुए आलू, हरा मटर, अब इसमें चकुंदर डालेंगे कलर के लिए। अब इसको अच्छी तरीके से इसे मिक्स करेंगे। दोस्तों, 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छी तरीके से तेल में से पका लें। अब इसमें नमक डालेंगे। दोस्तों, आप नमक का अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे, एक धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, अब इसको मिक्स करें। अब हम इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें हम पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद इसको कुकर को ढक्कन लगा देंगे और ढक्कन लगाने के बाद इसमें 3 से 4 सीटी आने देंगे, जिससे कि हमारा ये जो सब्जी है अच्छे तरीके से पक जाए और इसको मैश करने में आसानी हो। दोस्तों, जब तक हमारे सब्जी में सीटी आएगी, तब तक हम अपने सब्जी के लिए थोड़ा भाजी को बनाने के लिए और इसको प्रिपेयर कर लें। दोस्तों, हमने कढ़ाई में तेल डाला है। हमारा तेल गर्म हो गया है। अब इसमें हम जीरा डालेंगे। दोस्तों, हमारा जीरा चटक गया है। इसमें बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे।
और इसको अच्छे तरीके से हम प्याज को भून लेंगे तेल में डालने के बाद। दोस्तों अब इसमें अदरक लहसुन का जो हमने कूटा हुआ पेस्ट बनाया था इसको डालेंगे और इसको भूनेंगे प्याज के साथ। दोस्तों अब इसमें हम बारीक कटे हुई शिमला मिर्च डालेंगे, इसमें कटी हुई हरी मिर्च और इसको अब इसमें बारीक टमाटर कटे हुए डालेंगे और इसको अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ इसको मिक्स करेंगे और भुनेंगे। दोस्तों इसको अच्छे तरीके से भुनेंगे। दोस्तों अब हम इसमें नमक डालेंगे, नमक को आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। दोस्तों नमक डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब इसमें हम मसाला डालेंगे, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर। डालने के बाद मसालों को डालने के बाद इसको मिक्स करें। अब हम इसमें पाव भाजी मसाला डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे मसालों के साथ सब्जियों को। दोस्तों अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। अब इसको पकाने के लिए इसमें थोड़ा पानी डालेंगे जिससे कि हमारा शिमला मिर्च अच्छे तरीके से पक जाए और गल जाए। दोस्तों इधर हमारी सब्जी पक गई है, हमने कुकर में से ढक्कन निकाला है। ये देखिए हमारी सब्जी का कलर देखिए, बिल्कुल चकुंदर के वजह से बिल्कुल रेड हो गया है। इसको आप चाहे तो इसको मैश कर लीजिए या तो आप जो हमने कुकर में सब्जी बनाई थी कुकर से निकाल के अब इसको हम शिमला मिर्च की सब्जी के साथ इसको मिक्स करेंगे। जो हमने शिमला मिर्च भुना है उसको डाल के इसको मिक्स करेंगे और सब्जी में से जो पानी है उसको पानी को सोखने देंगे। पानी को सोखने के बाद इसको हम सब्जियों को गिलास या किसी और बर्तन की मदद से इसको सारी सब्जियों को मैश कर ले अच्छे तरीके से। ये देखिए इस तरीके से दोस्तों ध्यान से करें ताकि तो अच्छे तरीके से इसको मैश कर ले। ये देखिए इस तरीके से ये देखिए दोस्तों सब्जी का कलर कितना अच्छा है। अब हम इसमें मक्खन का टिकिया डालेंगे ये देखिए, और इसको डालने के बाद मक्खन के टिकिया को डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। जब तक हमारे भाजी सब मिक्स होगा जब तक हम अपना इधर पाव को गर्म करते हैं। दोस्तों हमने एक तवा लिया है, तवा पे हमने मक्खन की एक टुकड़ा डाला है जिसमें कुछ हमने धनिया के पत्ते डाले हैं। अब इसको तवा के साथ इसको तवे पर डाल के पाव को गर्म करेंगे इस तरीके से। दोस्तों इसको गर्म करें
बारी बारी से सारे पाव को गरम कर लें तवा पे या सेक लें। धनिया पत्ते और पैर मक्खन के साथ पलट कर पाव को सेक लें। हमारा भाजी भी बन के रेडी हो गया है। अब इसमें खटास के लिए नींबू का रस, नींबू का जूस डाल दें या आप इसमें अमचूर का ही प्रयोग कर सकते हैं। इसको नींबू का रस डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें जिससे कि सारे नींबू का जूस जो है मिक्स हो जाए। दोस्तों हमारा भाजी बन के रेडी हो गया। इसको मक्खन, धनिया के हरे पत्ते, अदरक व प्याज के साथ इसको गार्निशिंग कर दें। दोस्तों हमारा पाव भाजी बनके रेडी हो गया है। अब इसको सर्व करें। आप भी पाव भाजी को अपने घर में बनाएं, आप भी खाएं, अपने दोस्तों और परिवार को ज़रूर खिलाएं। दोस्तों आज की रेसिपी आपको कैसे लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आने वाले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम मिलेंगे किसी और रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक बाय बाय। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल मेरी रसोई को। वीडियो की हर नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक ज़रूर करें।